हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल प्रणाम, कैसा आप सभी के हाल। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है हर, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नया लाइव ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 9:30 हो रहा है और आज के खूबसूरत दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो देखो भाई, 2 दिन के लगातार बारिश होने के बाद आज देखो भाई कितनी प्यारी धूप खिली हुई है और सामने के काफी गजब के नजारे दिखाई दे रहे हैं। रोनी ले ओरा 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 ओरा। तो यहाँ देखो भाई, कल भाभी लोगों के साथ ब्रोनी भी आ गया था, तो आज देखो मस्त मजे से सुबह सुबह धूप सेक रहा है। और यहाँ देखो भाई, ठीक सामने वाली पहाड़ी पे ना हल्की हल्की बर्फबारी भी दिखाई दे रही है। तो देखो भाई, घर के सामने पे एक यहीं पास में एक पहिया का पेड़ है, तो यहाँ देखो भाई ये पक्षियाँ मस्त मजे से पहिया का एक छोटा सा फल होता है उसको खा रहे हैं। तो हमने भी बचपन में बहुत सारे पहिया खा रखे हैं और पहिया का जो पेड़ होता है उसकी जो टहनी होती है वो काफ़ी पवित्र मानी जाती है और वह किसी भी देव कार्य में, किसी भी पूजा पाठ में पहिया की जो टहनियाँ होती है वो काम आती है। जा 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 आगे जा। तो सुबह के समय पे सभी चले गए हैं अपने अपने कामों की और आज देखो भाई रुचि बिरी और साथ में ब्रोनी भी जा रहा है और वो लोग डंडा पानी जा रहे छानी। तो भाई अभी देखो अर्चना ऊपर गई थी, ये पिट्ठा कूटने, ये होता है चावल का, इसको ओखली में कूटा जाता है। तो ये किस चीज के लिए अर्चना? ये ना पापड़ी बनाने के काम आता है। अच्छा, इससे ना हम पापड़ी बनाएंगे। ये चावल, घर के चावल डाल के हमने कल रात को भिगाने के लिए। अच्छा, तब हम अभी ऊपर जा रहे थे, इसको हमने ओखली में कूटा इसको। तो वैसे ओखली हमारे यहाँ भी है, बट हमारे पास ओखली में जिससे कूटते हैं ना उसको गिंजाओ कहते हैं, वो लकड़ी का होता है, वो हमारे पास नहीं था। तो ऊपर गांव में गई थी अर्चना, अब इसका पापड़ी बनेगी। बल ये मैंने तिल भी लाया ना, हमारे तिल नहीं थे इसके बाद से तिल भी मांगते हैं। और मैंने इससे पहले आपको वीडियो दिखा रखी है, जिसने नहीं देखे वो वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, तो वहाँ से आप लोग पहले देख सकते हो किस तरीके से इसको बनाया जाता है। बाकी अब मैं आज दिखी जाएगा किस तरीके से बनता है जी। अब वैसे ओखली का उपयोग लोग कम करने लग गए हैं क्योंकि अब ज़्यादातर लोग मशीनों में ही, यही गेहूँ हो गया, धान हो गया, कुछ भी चीज़ें मशीनों का ही प्रयोग कर रहे हैं और अब बहुत कम लोग ही प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। मैंने अभी सुना कि अमेड़ा लाना है, बल अलमेड़ा होता है तो वो खट्टा खट्टा भी होता है, वो किस चीज के लिए होगा? अरे उसको उस भगोने में डालना है ना, उसको उस अमेड़े को। हाँ। और फिर उसको उसमें पानी डालना है, उसको उबालना है, फिर पापड़ी बनाने की प्रोसेस करनी है उसी में। पानी से? हाँ, उस पानी थाली से? पानी लगाते उसको, फिर उसको अच्छा। उस भगोने में डालना पतीले में, फिर ऊपर से ढक्कन मारना। अच्छा। हाँ। तो अलमेड़े के जो पानी होता है उसमें केमिकल होता है खट्टा, तो उससे जो चावल का, मतलब चावल को गूंदेंगे तो वो उससे थाली में उसको गोल करके बनाते हैं, फिर वो उसमें चिपकेगा नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो आपको प्रोसेसिंग डिटेल में दिखाएंगे। और ये देखो भाई, ये ओखली बोलते हैं पर हम उलख्यारा बोलते थे इसको। तो ये तो वैसे ढक रखा था पर मैंने आपको दिखाने के लिए खोल दिया है। ये देखो भाई, चारों ओर पत्थरों का एक दीवार सी रहती थी और बीच में एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें गोल बनाया रहता था, फिर इसमें चावल डालते थे, फिर एक गिंजाला होता था उससे इसमें कूटा जाता था। पर अब ये बहुत कम यूज़ करते हैं इस चीज़ों को। तो ये देखो, ये कभी कभार ही काम आता है, तो इसको ढक देते हैं वापस से। तो ये देखो भाई, अभी अर्चना यहाँ ठीक ऊपर चली गई है, यहाँ बहुत सारे अलमेड़े के पौधे हैं तो वहाँ से अर्चना लेके आ रही है। और आजकल देखो भाई, आड़ू के पेड़ में ना छोटे छोटे आड़ू के दाने भी होने लग गए हैं, यहाँ देखो भाई। और साथ ही साथ जो यहाँ पे गुलाब का फूल लगाया हुआ है ना, इसमें भी देखो छोटे छोटे गुलाब के फूल होने लग गए हैं। भाई ऐसा कुछ होता है अलमेड़े का पौधा, और अब इसको उबाल के इसका पानी यूज में आएगा पापड़ी बनाने के। तो अभी देखिए जी, घर पे आए थे कुछ पंडित जी लोग सेम मुखेम से, सेम मुखेम भंडारा और धर्मशाला समिति करके कुछ था,
इन फ्यूचर हम भी कभी भगवान सेमु खेम जी के मंदिर पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको दिखा देंगे कि वहाँ कैसा मंदिर है और कैसा वहाँ का नज़ारा। बाकी भगवान सेम नागराज जी का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द हम वहाँ भी जाएंगे। बाकी अभी मैं आया हूँ अपने गोरा देवी के पास, यानी अपने गाय के पास, या इनको पानी पुनी देने। यहाँ पे पार्टी है और मधुमक्खियाँ भी आ रही है भाई, इनको काटे तो धुआं भी लगाना है। अभी पापड़ी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और अर्चना की ड्यूटी लगी हुई है। जो ये पिट्ठू है ना, पिट्ठू से थाली में ऐसा गोल गोल बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो अलमेड़ा का जो पानी है उसके अंदर भाप बन रहा है उसमें पकाया जाएगा और उसके बाद देखो भाई इस तरीके का सेव आएगा और बिल्कुल पीला बना हुआ है। और मेरी ड्यूटी है भाई जो उसमें भाप से पकाया हुआ है ना उसको थाली से ना निकालना है और इस तरीके से अब इसको बाहर धूप में रखा जाएगा। तो शाम के 4:30 हो गया है और अभी देखो भाई ये रुचि और अर्चना लगे हुए हैं बनाने में। सुधी लगी नहीं तो बनो पर दिखा दे रहा पक गया हो गई। और देखो ऐसा कुछ होता है यहाँ भाप से पकता है ये। अब रुचि इसको निकालेगी। बाकी देखो ऐसा कुछ है ये सुखाने का तरीका, तिरपाल में डाला हुआ है और ये देखो भाई इतने करारे हो रखे ये। अब इनको तेल में फ्राई करके फिर खाएंगे। और अभी देखो भाई थोड़ा अभी बचा हुआ है ये देखो, और ये दोनों तो लगे हुए हैं। बाकी अभी देखो भाई सनसेट भी होने वाला है, जब धूप चली जाएगी तो फिर दिक्कत है इनको सुखाने में, इनको सुखाने के लिए धूप ज़रूरी है। ये जी शाम के 5 बजने वाले हैं और यहाँ की धूप भी अब धीरे धीरे जाने वाली है। यहाँ देखो घर पे अभी धूप है और इधर साइड चली गई है। अरे वाह, तो भाई अभी देखो भाई रुचि गरम गरम चाय लेके आ गई है और साथ में है ये क्या है, ये गेंजा। अच्छा तो ये है भाई गेंजा, पापड़ी बनाने के लास्ट में इसको बनाया जाता है, इसको बनाना शुभ माना जाता है पापड़ी बनाने के बाद, कंपल्सरी है मतलब, और ठीक है टेस्टी भी होता है। बाकी अभी ऊपर का काम निपट गया है और दिन भर आज हमारा किचन में गया है ना, चाय खत्म, मेरी चाय भी बाकी। बाकी अर्चना अभी शोर किया, उसका हेडेक हो रहा, पर हमें कुछ नहीं होता, हम अभी बैडमिंटन खेलेंगे। बाय रुचि। तो चलिए भाई मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के व्यू पॉइंट में, सूरज भाई यहां पे उपस्थित हैं। सूरज भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, ठीक हो सर? और बाकी अभी तो घर पे वो लोग बैडमिंटन खेल रहे थे तो सूरज भाई आजकल घर आ गए तो मैंने सोचा चलो गांव में घूमना भी हो जाएगा, शाम का नज़ारा भी आपको दिखाया जाए। तो देखो कितना गजब का दिखाई दे रहा है।